जी, हमारे पास 4.2 है और आज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। फैक्टराइज है तो ये जो पहला पार्ट है x की 3 मनफी y की 3 मनफी x प्लस है, y। तो फैक्टराइज करना है, देखना है कि इस तरह का हम मेरे ख्याल में एक फार्मूला हमने पढ़ा था, तो ये पहले हम फार्मूला आपको बता दें ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए। a का क्यूब है माइनस है बी का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब माइनस है तो ये इक्वल आता है फर्स्ट माइनस है सेकंड, और फिर फर्स्ट का स्केयर प्लस फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट इनटू और प्लस है सेकंड का स्केयर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट का स्केयर प्लस है सेकंड का स्केयर फिर प्लस फार्मूले वाला फर्स्ट इनटू। तरतीब देनी हो आपने, रीरेंज करना हो तो रीरेंज कर लीजिएगा। अब मैं इधर ए बी लिख लिया, इधर एक्स वाई लिख लिया, तो इस लिहाज से मुझे ये ए लिखना चाहिए और ये ए बी लिखना चाहिए और ये वाला बी का स्केयर लिखना चाहिए। अब इसी के मुताबिक जो वैल्यू दी है उसमें हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। अगर इसकी जगह पे प्लस आ जाता तो ज़ाहिर मनफी की जगह पे प्लस और ये प्लस की जगह पर है माइनस, तो आप ये वाला फार्मूला भी जिस जगह पे यूज़ होगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बिटवीन प्लस आ जाता है। तो ये वैल्यू थी हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस है वाई का क्यूब माइनस एक्स और प्लस है वाई। इसको इसके मुताबिक आप ओपन कर लें। ओपन किया तो फर्स्ट एक्स मनफी सेकंड, फिर फर्स्ट का स्केयर प्लस फार्मूले वाला प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, फिर प्लस है सेकंड का। इधर माइनस वन कामन ले लूं तो एक्स जो मनफी का था किसका हो गया, और जो वाई प्लस का था वो किसका हो गया। अब दोनों में अगर कोई चीज़ सेम नज़र आ रही तो वो क्या है, वो कामन आ जाएगा। एक्स मनफी वाई और एक्स मनफी वाई दोनों में सेम, और ये क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। बाकी बचा क्या, ये एक्स स्केयर, ये एक्स वाई और ये वाई का और माइनस वन, ये उसका क्या आ गया जी। समझ आई कि नहीं आई। आगे वाला भी देख लें, उसमें 8x की 3 है तो क्या मैं 8x की 3 की जगह पे 2x का क्यूब लिख सकता हूँ, ताकि मैं पहले फार्मूला बना लूँ फिर उसको ओपन कर लेते हैं। 27 उसकी जगह पे किसका क्यूब होगा, 3 का, और y की 3 की जगह पे y का, तो ये अब देखो बन गया फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब। तो क्यूब तो हमें खोलना आता है, ये भी खोला हमने, फर्स्ट माइनस सेकंड, ये फर्स्ट और ये माइनस है सेकंड, इसके बाद फर्स्ट का स्केयर और प्लस फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट क्या है 2x है और सेकंड क्या है, ये 2x एंड 1/3y है, और इसके बाद फिर दोबारा क्या आ जाएगा प्लस सेकंड का स्केयर। तो सेकंड क्या है, अब इसको एक स्टेप में ओपन करते हैं आंसर आगे। 2x मनफी किधर, क्यों आना था जी, तो मनफी वाला ये बताया था फर्स्ट मनफी सेकंड, फर्स्ट का स्केयर प्लस फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर, वही अप्लाई किया हमने। आगे इसका खोल दिया, टू का कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर 2x/3y प्लस 1/3 का 9 और y का स्केयर, ये उसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, करें सॉल्व फिर आगे चलते हैं इससे।